एसवाईएल कैनाल का मुद्दा करीब 4 दशक पुराना है। 1960 में भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी बैरोकटोक प्रयोग कर सकता है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर समान अधिकार मिला। साल 1996 में पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा को पंजाब के हिस्से से पानी दिया गया, पर इसका मकसद था पंजाब की नदियों को हरियाणा से जोड़ना। लेकिन विभाजन के बाद दोनों राज्यों में पानी को लेकर जंग छिड़ गई। अलग अलग राज्य बनने के बाद भी जब 2 सालों के अंदर दोनों राज्य किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने एसवाईएल कैनाल के निर्माण की घोषणा की ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। खबरों के मुताबिक कैनाल का काम 1985 में सुरजीत सिंह बरनाला के शासनकाल में शुरू हुआ। उस वक्त अकालियों ने पानी साझा न करने के अपने धर्मयुद्ध मोर्चा का हिस्सा बना लिया। 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद पंजाब के हिस्से के कैनाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1990 में आतंकियों ने कैनाल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी। मामला दोबारा तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। कांग्रेसी नेता और तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कानून बनाकर हरियाणा के संग जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की कोशिश की थी, जिससे प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक कैनाल का निर्माण भी अधर में लटक जाता। उसके बाद कैनाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब पंजाब हरियाणा की सियासत में यह मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। दोनों राज्य पानी पर अपना अपना हक जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।